व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। अच्छा, गाँव की शांति के पापा। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे, उम्मीद करती अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वीलॉग में, और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और आप मुझे देख रहे हैं इतना खुश और मस्त, वो रीजन ये है कि हम जा रहे हैं किसी स्पेशल से मिलने। और वो कौन है स्पेशल, जिसके लिए मैं सोच भी रही थी और मैंने उनको काफ़ी मैसेज किए थे। तो कह सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी से तो कम नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इस फील्ड में है। हाँ, एक लेडी है, ये तो मैंने आपको बता दिया, पर आगे आपको पता चलेगा कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आप वीलॉग को कंटिन्यू करते रहिए, तो आप लोग देखेंगे कि हम वो कौन स्पेशल है, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा शौक होंगे कि हम उनसे मिले आज। और फर्स्ट टाइम हमने जो है इस तरह का काम किया, मतलब कि ये मेरा फर्स्ट वीलॉग होगा जिसमें मैंने खूबसूरत बना हुआ है। और आपको पता है लोग इस मॉल को देखने ही आते हैं बेसिकली, क्योंकि जो है दिल्ली में इस तरह के बहुत सारे मॉल हैं वैसे तो, और जब कोई लोग घूमने आते हैं ना तो यहाँ के मॉल भी बहुत सारे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ पता नहीं, अरे लेट हो गया हम लोग घर से निकलते ऑटो मेट्रो करते। मैं कई लोगों से मैंने पूछा ना, कई लोग भी आए क्या मिलने? नहीं मिलने के लिए नहीं, मैंने कई लोग से पूछा, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं कल आई थी आप साथ, कल से शॉपिंग करने गई थी। हाँ और उनका कल आई थी, मैंने कहा यह 11 बजे का एडिटेड है तो कैसे हो गया, तो मैंने सोचा मैं भी शायद मुझसे। और आप यूज कर ही आइए शांति के पापा। तो मतलब मैंने इनको शॉर्ट में देखा था और दीदी को भी मैंने शॉर्ट में देखा था, आज मेरे यूट्यूब चैनल पे दीदी है और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है मेरी बेटी बहुत रोएगी, बहुत रोएगी क्योंकि उसका एग्जाम था आज, मेरी भी बेटी का एग्जाम चल रहा है। गुड़गांव तो हमने किसी ने बनाई होगी ऑटो बायोग्राफी। हाँ। मैं तो यहाँ रहती क्योंकि मैं और मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा तो मेरी बेटी सर्च कर रही थी कि आप यहाँ पर रहते, मैंने कहा गुड़गांव में रहती हैं ऐसा कैसे, मतलब उत्तर प्रदेश में मतलब बनारस में गाजीपुर है ना। हाँ वहाँ पर रहती हूँ। अच्छा बहुत सारे गाजियाबाद से। मैं वैसे लखनऊ की हूँ, मैं तो दिल्ली शादी के बाद आई। अच्छा मैं तो लखनऊ की, लखनऊ में जाने वाली हूँ एक ही दो दिन में। अच्छा जाएंगी आप? अच्छा आपको कोई हेल्प चाहिए दिल्ली में बताइए, कहीं कुछ है तो मैं चाहिए कुछ भी दिल्ली में बता करते हैं। मेरा खुद की कंपनी है और डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन करते हैं। एक्चुअली मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ। अच्छा कंप्यूटर टीचर के बाद मैंने जब जॉब छोड़ी ना बेटी को संभालने के लिए, उसके बाद से फिर मैं वीलॉगिंग में आई, तो सबसे पहले आपका वीलॉग देखना शुरू किया था। और फ्रेंड्स मैंने गांव की शांति जी से बहुत ढेर सारी बातें की। मैं फूट फूट कर इसलिए रोने लगी थी क्योंकि मुझे वो बहुत मतलब ढूंढने के बाद मिली थी, इसीलिए मुझे जो है बहुत ज़्यादा रोना आ गया था। हाँ चलिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने व्लॉग में कवर किया। और दीदी प्लीज़ एक बार मेरे चैनल का नाम ले दीजिए, बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग है। बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग है। हाँ बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे आप सपने को प्यार देते हो ऐसा इनको भी प्यार दीजिए। और आप मेरे से मिलने आए थे सबसे। हाँ मुझे तो ड्रीम जैसा लग रहा है, आपको पता है मैं इतना निराश हो गई थी, मैं इंस्टा पे इतनी रील ठोक डाली बिल्कुल मायूस होकर के। वो पहले की रील होगी, मैंने ऐसी मैं है ना कि क्या कर रहे हैं तो फोन चला रहे हैं तो चलो कुछ, और मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई थी उस रील को देखने के बाद, मैंने यार 2 व्यूज है अभी। और वहाँ पर एक मतलब कि एक फ्रेंड और भी थी, वो भी जो है वो भी साथ में मिले, वो भी एक मतलब कि उन्होंने भी YouTube जो है जस्ट व्लॉग स्टार्ट किया था, तो वो भी उनसे मिलने के लिए आई थी। तो हम 2 लोग थे वहाँ पर उनसे मिलने के लिए और हम लोग ने ढेर सारी बातें की। और मतलब कि ऐसे करते करते हमें बहुत सारे जो है लोग जान गए थे कि हाँ हम यूट्यूबर्स हैं, तो कई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और बहुत ढेर सारा प्यार दिया। तो फिलहाल जो है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर भी यूट्यूबर से मिलने आए थे तो यूट्यूबर मिल गए और इनका भी ऑल द बेस्ट, आई एम द बेस्ट चैनल है। इन्होंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट किए तो आप लोग इनको भी सपोर्ट करिएगा। और ये यहाँ मॉल में ये प्यारी जी, ये भी है तिवारी जी, मतलब हम भी तिवारी ये भी तिवारी, तो ये मिल गई है हमको और इन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स फिलहाल जो है वो गाँव की शांति मिल गई, हमने मीटअप भी कर लिया और रियल में मतलब मैं निराश हो रही थी पर निराश के बाद फिर आशा मिली तो बहुत खुशी हुई, मतलब थोड़ा दुख था पर उसके बाद जो मजा आया ना बहुत अच्छा था। आगे लिफ्ट में जा रहे हैं पार्किंग के लिए क्योंकि काम नहीं बता सारा।
और फ्रेंड्स यहाँ से हम अविष्का को जो है वो पिकअप करने जा रहे हैं उसके स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल की जो छुट्टी होती है ना वो आज जल्दी होने लगी, उसका आज पेपर था, तो वहाँ से पहले उसे पिकअप लेंक करेंगे, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। और आज मैंने खाना नहीं बनाया ना, तो हम लोग जो है बाहर ही लंच करेंगे और लंच करने के बाद फिर घर पहुँचेंगे। काफ़ी थकावट भी हो गई है पर फिर भी बहुत अच्छा लगा आज के दिन। फ्रेंड्स बस फाइनली जिस काम के लिए आए थे वो हो गया, इतने निराश होकर आए थे हो गए थे। और फिर अब अविष्का को लेने जाना है, तो मैं उसकी टीचर को कॉल कर लेती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो गया है, तो थोड़ा सा हम जो है कॉल कर लेते हैं कि थोड़ा वेट करेगी अविष्का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है वो एक्सीड हो गया है, क्योंकि अविष्का की आज जल्दी छुट्टी होने वाली थी। बस जल्दी जल्दी पहुँचते हैं अविष्का के स्कूल। और फ्रेंड्स इस वीलॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं जितनी भी फीलिंग्स होती है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो ये इसीलिए मैंने इस वीलॉग को आपके साथ शेयर किया। आई होप सो आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक दे दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।